नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए 2 नवंबर को दफ्तर बुलाया है। इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, जिस तरह से ईडी ने 2 तारीख का समन अब अरविंद केजरीवाल को भेजा है, उससे साफ हो गया कि केंद्र सरकार किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाए और आम आदमी पार्टी को कुचल दिया जाए। बता दें, ईडी ने 2 नवंबर को सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली की नई शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इससे पहले सीबीआई ने भी इसी साल यहां पर सीधे सीधे पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। देखा आपने और सुना भी। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 30 अक्टूबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 2 अलग अलग जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। सिसोदिया को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में उनकी नियमित जमानत को खारिज कर दिया और कहा कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रूपए के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है। मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल पर भी खतरा मंडराता हुआ देख आम आदमी पार्टी जमकर अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।